बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। विटामिन ए, विटामिन ए शुरू करने से पहले मैं ज़रा विटामिन को दोबारा डिस्कस करना चाहती हूँ। विटामिन हमारे पास एक एसेंशियल कंपोनेंट है, लेकिन माइन्यूट अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए ताकि वो अपना प्रोसेस कर सके। इसलिए हम विटामिन को माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। अब विटामिन की जो फंक्शंस है वो मैंने जनरली बताए हुए थे कि ये हमारे पास जो है बॉडी के जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है, और मैन जो बॉडी ग्रोथ है उसमें भी हेल्प करता है। डिफरेंट प्रोसेस पे विटामिन जो है वो हेल्प देते हैं। अब विटामिन की क्लासिफिकेशन हुई थी फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। आप इधर देख सकते हैं क्लासिफिकेशन हुई है फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। अब मेरे साथ विटामिन ए, डी, ई, के, ये फोर जो है ये हमारे पास फैट सॉल्युबल है, और हमें नॉर्मली रूटीन में चाहिए कि हम ये फैट सॉल्युबल इनटेक ना करें और ज़्यादा फोकस दें वाटर सॉल्युबल पे, क्योंकि वाटर सॉल्युबल जब इजली जो है यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से निकल जाते हैं, जबकि फैट सॉल्युबल जो है वो उसकी डिपोजिशन हो जाती है। कुछ फंक्शन के लिए फैट सॉल्युबल चाहिए, जैसे अगर विटामिन डी है तो वो बोन्स के में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बोन्स में, टीथ्स में, तो अगर हम विटामिन डी लें और फैट की डिपोजिशन हो जाती है बोन्स पे, तो इसमें क्या होता है बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इस लिहाज से हमें फैट सॉल्युबल लेना चाहिए, लेकिन जो है इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए कि हमें टॉक्सिसिटी दे। अब वाटर सॉल्युबल अगर हम लेंगे ज़्यादा तो अच्छा होगा, क्योंकि ये हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा, जबकि फैट सॉल्युबल हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ये क्लासिफिकेशन है बी कम्प्लेक्स वाले जो है विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी, वो वाटर सॉल्युबल में आते हैं, जबकि फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई, के ये हमने याद करने हैं, क्योंकि अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि विटामिन ई हमारे पास फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है, तो अगर किसी को नहीं पता तो वो गलत टिक कर लेगा। तो इस तरह आप लोगों को ये याद करना होगा कि ए, डी, ई के जो फैट सॉल्युबल है, जबकि सी और बी कम्प्लेक्स जो सारे हैं वो वाटर सॉल्युबल है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ही स्टेबिलिटी पे अगर हम डिवाइड करें तो कुछ थर्मोलिबाइल है और कुछ थर्मोस्टेबल है। अब थर्मोलिबाइल वो होते हैं जो हीट हासिल करने पे उसकी उसका स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो अपनी प्रॉपर्टी, अपना स्ट्रक्चर जो है वो लूज़ कर देता है, तो वो थर्मोलिबाइल है। जबकि थर्मोस्टेबल वो है कि हीट जितना हीट उसको देंगे उस पर कुछ असर नहीं होगा। अब B1 और B3 जो है वो हमारे पास थर्मोलेबाइल है, जबकि थर्मोस्टेबल ऑल जो आते हैं वो थर्मोस्टेबल है। अब मैं विटामिन ए को डिस्कस करना चाहती हूँ। पहले ही मैंने क्लासिफिकेशन में बता दिया विटामिन ए हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फैट सॉल्युबल है। जब हमारे साथ वो फैट सॉल्युबल है, तो अगर मैं इन दोनों की क्लासिफिकेशन इस पर अप्लाई करूँ तो फैट सॉल्युबल है, तो फैट सॉल्युबल क्या होगा, हमें जो है टॉक्सिसिटी ये दे सकता है, ठीक है। अब दूसरी ये बात है कि विटामिन ए जो है वो हमारे पास, अगर आप देख ले थर्मोलेबल है या थर्मोस्टेबल है, तो हमारे पास विटामिन ए जो है वो थर्मोस्टेबल है। इसकी कंपोजिशन जो है ये कम्प्लेक्स अल्कोहल है, और ज़्यादातर नाउ अडेज ये हमारे पास जो है जो जिस नाम से आते हैं वो रेटिनॉल है, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड, इन तीनों इन सैनिनम के नाम से ही विटामिन ए जो है ये प्रोडक्ट जो है ये आते हैं। अब अगर मैं विटामिन ए की ज़रा मेटाबॉलिज्म और कुछ कंपोजिशन बता दूँ, तो विटामिन ए जो है हमारे पास टू टाइप्स होते हैं इसके, एक परफॉर्म विटामिन ए होता है, एक प्रो विटामिन ए होता है। प्रो विटामिन ए हमारे पास वो है जो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, इनएक्टिव होते हैं, और ये हम कहाँ से हासिल करते हैं, इसको हम कैरेटिनाइड भी कहते हैं, कैरेटिनाइड्स
और ये हमारे पास जो है कैरोटीनॉइड पिगमेंट ऑफ सर्टेन प्लांट्स से हासिल करते हैं, इसको हम कैरोटीन कहते हैं। ठीक है, प्रो विटामिन ए है, जबकि परफॉर्म विटामिन ए जो है ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म में होते हैं और ये हम एनिमल, इसका सोर्सेज जो है एनिमल्स है, जबकि इसकी वेजिटेबल फ्रूट से। अगर प्रो विटामिन की मैं बात बता दूँ तो प्रो विटामिन जो अगर विटामिन ए का अगर एमसीक्यूज आ जाए कि कौन से फ्रूट और वेजिटेबल से हम हासिल करते हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा दें कि वेजिटेबल और फ्रूट से हम प्रो विटामिन ए हासिल करते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं, उसको हम कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। और जिस प्लांट से हम ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट हासिल करें उसको हम कैरोटीन कहते हैं। अब बात यह है कि जो हमारे पास रेड येलो वेजीज फ्रूट्स हो वो हमारे पास विटामिन ए है। अब जैसे मैं कैरेट की बात ले लूँ, गाजर की, तो वो हमारे पास रेड कलर की होती है और आजकल जो चाइनीज़ वाली है वो तो येलो कलर की आती है। अब फ्रूट की मैं बात ले लूँ, ऑरेंज है, ऑरेंज हमारे साथ। अब एप्रिकॉट की मैं ले लूँ वो बात, वो भी हमारे पास जो है रेड कलर येलो कलर दोनों में मौजूद होता है। ऑरेंज भी हमारे पास येलो और ज़्यादा रेड हो तो रेड आ जाता है, लेकिन रेड नहीं, येलो टाइप ऑरेंज होता है। अब वेजीज की कैरेट हो गया, हमारे साथ कॉर्न हो गया, जो वेजिटेबल जो फ्रूट येलो और रेड कलर देते हो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो है प्रो विटामिन ए है। और परफॉर्म्ड विटामिन ए जो एनिमल से हम हासिल करते हैं जो कि मुश्तमिल होता है रेटिनॉल एंड रेटिनाइल ईस्टर पर, तो एनिमल्स में क्या है हमारे पास, एक योक है, ठीक है, अंडे की जर्द और मिल्क हो गया, हमारे पास जो है किडनी, मसल्स, फिश लिवर ऑयल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है विटामिन ए है। अब से ये ज़्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं कि फ़िश लिवर ऑयल जो है वो डेली रूटीन में इस ऑयल को यूज़ करना चाहिए, लेकिन बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, एक चम्मच से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया परफॉर्म विटामिन ए जो है वो क्या है, वो हमारे साथ जो है ये फैट सॉलेबल है, तो ऑब्वियसली ये बहुत सी बीमारियाँ काज करती है। अब ये है कि ये बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में होता है तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे अगर मैं प्रेग्नेंट वुमेन की बात ले लूँ तो वो विटामिन ए को फूड में नहीं ले सकती, क्योंकि इससे जो है बेबी जब बर्थ करेगा तो वो डिफेक्ट होगा। अब हाँ, सप्लीमेंटेशन देनी चाहिए, ठीक है, लीटर अमाउंट में, एज़ कम्पेयर टू अगर वेजिस फ्रूट वो ले तो ठीक है, लेकिन एनिमल वाले जो पोर्शन है उसको ज़रा उसमें एहतियात करना चाहिए। बट डाइटरी पोर्शन जो हो उसको कंट्रोल करना चाहिए। टॉक्सिसिटी जो मैंने इधर बताया है, अगर कम होगा तब भी नुकसान होगा, अगर ज़्यादा होगा तब भी नुकसान होगा। हर एक चीज़, अगर मैं विटामिन के अलावा हट के अगर डेली रूटीन में बात करूँ तो एक्सेसिव थिंग जो है वो क्या करता है, वो एक पॉइजन की तरह होता है, या कम या ज़्यादा कुछ ना कुछ नुकसान होता है। बस बैलेंस में एक चीज़ को रखना चाहिए, अगर वो खुराक हो, अगर और डेली रूटीन में कुछ भी काम हो, बैलेंस रखना चाहिए। अब इसकी अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात कहूँ तो मेटाबॉलिज्म ये है कि जब परफॉर्म्ड विटामिन ए और प्रो विटामिन ए जो कि एक एक्टिव है जो कि एक इनएक्टिव है, ये जब विटामिन ए में कन्वर्ट होगा तो कैसे विटामिन ए में कन्वर्ट होगा, इसकी मेटाबॉलिज्म ये होती है कि ये रेटिनॉल और रेटिनॉइक एसिड के ज़रिए जो है इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। हमारे पास जो है लिवर में रेटिनॉइल ईस्टर के फॉर्म में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। स्टोर, जब विटामिन स्टोर होता है बॉडी में तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो लिवर में स्टोर होता है। और कौन से फॉर्म में होता है, रेटिनॉइल ईस्टर एमसीक्यूज में आ सकता है। अब ये रेटिनॉइल ईस्टर में जब स्टोर होगा तो ये रेटिनॉइल ईस्टर जो है रेटिनॉइल में कन्वर्ट होगा, किसके थ्रू, रेटिनॉइल एंड रेटिनॉइक एसिड के ज़रिए रेटिनॉइल में कन्वर्ट हो रहा, और तभी ये जो है अपना फंक्शन करेगी जब ये रेटिनॉइल में की शक्ल में आएगा।
अब इसका अगर मैं ज़्यादा यूज़फुल बता दूं कि ये हमारे विटामिन ए जो है कैसे हमारी बॉडी को एडवांटेज है या बेनिफिशियल है, कुछ भी आप कह सकते हैं जो फ़ायदा दे। आइज में इस तरह है कि मेन रोल जो है ये आइज में परफॉर्म करता है। विटामिन ए का जो मेन रोल है, मेन फंक्शन है, वो क्या है, वो आई में है। ठीक है, इस वजह से अगर रेटिना किधर प्रेजेंट होता है, आई में प्रेजेंट होता है रेटिना, तो इस वजह से इसका नाम रेटिनोइक एसिड इससे लिया गया है। अब आई में विटामिन ए जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस उसमें हेल्प करता है। अगर एक जगह जो है अंधेरा है, या फॉर अगर ज़रूरी नहीं है कि बाहर जो है अंधेरा हो, हाँ रूम में अगर लाइट नहीं है और अंधेरा हो, एक बंदा पढ़ रहा है, तो विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए जो है उस आई को ताकत देता है। जब कोई बंदा विटामिन ए खाता है तो आई क्या करता है, उसको उस अंधेरे में ही देखने की सलाहियत प्रोवाइड करता है विटामिन ए। अब विटामिन ए जो है नॉर्मल विजुअल प्रोसेस को जो है वो मेंटेन करता है, इवन कलर को भी वो उसमें हेल्प देता है। अगर फॉर एग्जांपल एक ब्लैक कलर हो तो ऑब्वियसली आई जो है वो उसको देख सकता है, वाइट कलर हो आई देख सकता है, तो नॉर्मल आई फंक्शन जो है वो कौन कंट्रोल करता है, वो विटामिन ए करता है। हाँ, अगर विटामिन ए की डिफिशेंसी आ जाए आई में, तो वो हमारे पास ज़ीरोप्थैल्मिया कास करता है, ज़ीरो मीन ड्राई, थैल्मिया मीन आई। ठीक है, तो इसमें ज़ीरोप्थैल्मिया डिजीज, जब मैं डिफिशेंसी में आऊँगी मैं डिटेल से बताऊँगी, लेकिन ज़ीरोप्थैल्मिया कास करता है, केराटोमलेशिया कास करता है, ये आई में विटामिन ए डिफिशेंसी की वजह से डिजीज़ कास करता है। अब अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात बता दूं तो मेल में ये रिसर्च हुआ है, रेट पे रिसर्च हुआ है कि मेल में जब विटामिन ए की डिफिशेंसी आ जाए तो ये इनफर्टिलिटी काज करता है, जबकि वुमेन में जो है इक्वालिटी को रिड्यूस करता है। और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो है रिजॉर्प्शन, फैटल रिजॉर्प्शन जो है उसको प्रिवेंट करता है। अब अगर प्रेग्नेंट वुमेन में मैं बात ले लूँ मेल और वुमेन की, तो मैं बता दी प्रेग्नेंट वुमेन में अगर मैं बात ले लूँ, तो जब विटामिन ए की शदीद कमी आ जाती है और इक्वल अमाउंट में प्रेग्नेंट वुमेन को लेना है विटामिन, ना ज़्यादा ना कम, अगर डिफिशेंसी आ जाए तो ये जो है डिफरेंट डिजीज़ काज कर सकता है बेबी में। जैसे मैंने यही कहा कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है और बेबी जो है बर्थ बेबी जो है उसके डिफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन डेथ भी काज हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये है कि जब विटामिन ए हम लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं और साथ में हम विटामिन ए लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मैंने पहले ही बताया होता था शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड है, मैंने डिटेल से ही कार्बोहाइड्रेट बताया है। कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो उसकी मेटाबॉलिज्म होती है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे पास मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक है, ताकत प्रोवाइड करते हैं, जब से विटामिन ए जो है वो हमें एनर्जी नहीं देता, जस्ट बस हमारे पास जो है न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट वो चीज़ होती है जब हमारे खुराक में ऐसी चीज़ जो कि हमें ताकत दे। ठीक है, लेकिन विटामिन ए जो है वो हमें पर्सनली एनर्जी नहीं देता। अब कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म ये इस तरह करता है, ये तो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो जब एक बंदा कार्बोहाइड्रेट ले लेता है तो विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए जो है उस कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करता है और हमें जो है कार्बोहाइड्रेट की जो एनर्जी होती है वो प्रोवाइड होती है थ्रू विटामिन ए। फिर अगर मैं बोन्स एंड टीथ की बात कर लूँ, बोन्स एंड टीथ की ऑब्वियसली
एक चीज़ हमें एनर्जी देगी, एक चीज़ जो है आय में, रिप्रोडक्शन में और कार्बोहाइड्रेट में हेल्प दे रही है, तो ऑब्वियसली वो हमें जो है बोन्स और टीथ में भी हेल्प देगी। विटामिन ए जो है उसमें फॉस्फोरस टाइप प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे टीथ के लिए और बोन्स के लिए ज़रूरी है। तो उस बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टूथ एनेमल जो कि अगर टीथ स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है, ठीक है, टूथ एनेमल जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है क्या, विटामिन ए। अब अगर मैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात ले लूँ, एपिथेलियल टिश्यूज़, अगर एपिथेलियल टिश्यूज़ हम विटामिन ए ले तो हमारा कॉर्नियल एपिथेलियल सेल जो है और कंजक्टिवल सेल, अब कंजक्टिवल सेल्स जो है और कॉर्नियल सेल्स, कॉर्निया हमें पता है आई का जो आउटर साइड लेयर है जो कि प्यूपल और कॉर्निया को कवर करता है, ठीक है, वाइट वाले एरिया कवर करता है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये एक आउटर साइड लेयर होता है कंजक्टिवल जो है, ये हमारे साथ आईलेड जो आईलेड है उसके नीचे लेयर होता है, उसको कंजक्टिवल हम कहते हैं। अच्छा, इन दो अगर विटामिन ए हो तो ये दोनों अपना फंक्शन से ही करेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे आई को तो अब देख ले तो टीयर आते हैं, ठीक है, अगर डिफिशेंसी आ जाए तो टीयर स्टॉप हो जाएंगे, आंसू नहीं आएंगे, आई जो है ड्राई होगा और उससे डिफरेंट डिजीज काज होते हैं, जैसे केराटोमलेशिया जो है वो सवेर सवेर जीरोप्थेल्मिया की वजह से आता है, जैसे सवेर ड्राइनेस की वजह से केराटोमलेशिया आता है। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ में ये फंक्शन जो है ये प्रॉपर करता है, लेकिन जब इसकी डिफिशेंसी हो जाए तो ये जो है हमारे पास, अगर मैं कंजक्टिवल की बात कर लूँ, एपिथेलियल टिश्यूज़ में डिस्कस कर रही हूँ, कंजक्टिवल की अगर मैं बात कर लूँ तो ये कंसिस्ट है अनकेरेटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियल सेल पे विद गॉबलेट सेल। अच्छा, क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है वो अनकेरेटिनाइज स्क्वामस टिश्यूज़ पे मुश्तमिल है और इसमें गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ में नॉर्मली, लेकिन जब विटामिन ए की डिफिशेंसी हो जाती है तो गॉबलेट सेल जो है उसको ये ब्लॉक करती है, जब गॉबलेट सेल को ब्लॉक करती है तो ये केरेटिनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है और केरेटिनाइजिंग मेटाप्लेजिया डिजीज़ काज करती है, एपिथेलियल टिश्यूज़ की वजह से केरेटिनाइजिंग मेटाप्लेजिया काज होती है। अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन तो मैंने ये बता दिए कि आई में हेल्प देता है रिप्रोडक्शन में, बोन्स टीथ एपिथेलियल टिश्यूज़ में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ऑब्वियसली हम विटामिन ए ले रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो क्या होगा, हमारे साथ ज्यूरोप्थेल्मिया नहीं होगा, हमारे साथ केराटोमलेशिया नहीं होगा, स्किन इन्फेक्शन नहीं हो जाएगी, जो एलर्जिक इन्फेक्शन है वो नहीं होंगे, एपिथेलियल टिश्यूज़ भी सही होगा। अब मेरे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में जो बताए हैं, अगर आप ये सिर्फ याद कर ले तो ऑटोमेटिकली आपको डिफिशेंसी का पता होगा कि आई की अगर डिफिशेंसी हो जाए तो कौन सी बीमारी आएगी, रिप्रोडक्शन की अगर डिफिशेंसी आ जाए तो क्या होगी, इनफर्टिलिटी होगी, टीशे और जो है मिसकैरेज होगा प्रेग्नेंट वुमेन का। आप इस तरह अच्छा कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में अगर विटामिन ए डिफिशेंसी आ जाए तो क्या होगा, एनर्जी प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगी, अगर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो क्या होगा, बोन्स और टीथ जो है वो हमारे साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं करेगा। जब एपिथेलियल टिश्यू अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करता तो क्या होगा, स्किन डिजीजेस काज होंगे और इन्फेक्शंस हमें आएंगे। अब टेक्निक ये है
मैं आपको पहले डिफिशेंसी से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, डिफिशेंसी को अभी मैं डिटेल से बताऊँगी, लेकिन फिजियोलॉजिकल फंक्शन ये है कि टेक्निक ये है कि आपको अगर विटामिन ए का पता है कि फैट सोलिबल है और नाम क्या है रेटिनॉल, रेटिना, रेटिनॉइक एसिड, ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन अगर आप याद कर ले ऑटोमेटिक डिफिशेंसी आपको पता चल जाएगी, या इवन अगर डिफिशेंसी आपको पता होगा तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑटोमेटिक पता होगा। रिवर्स है, आप देख लेना आई का, रिप्रोडक्शन का, कार्बोहाइड्रेट का, मैंने तो इधर रिप्रोडक्शन की नहीं लिखी डिफिशेंसी, लेकिन वो आम सी बात है, बोन्स की मैंने नहीं ली लिखी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की मैंने नहीं लिखी, लेकिन मैंने वर्बली बता दिया कि रिप्रोडक्शन की डिफिशेंसी में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की डिफिशेंसी में क्या आता है। अब अगर मैं डिफिशेंसी की बात कर लूँ, डिफिशेंसी की, तो वन थिंग मोर, हमारे साथ आई में जो है कलर विजन और लो लाइट में ये हेल्प देता है विटामिन ए। हमारे पास जो है विटामिन ए जो रेटिनॉल है, और आई में हमारे साथ प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका नाम है ऑप्सिन। ये रेटिनॉल और ऑप्सिन, विटामिन ए, रेटिनॉल और ऑप्सिन क्या करता है, जब ये कंबाइन हो जाते हैं हमारे पास जो है रोडोऑप्सिन जो है वो बनाता है, और रोडोऑप्सिन वो प्रोटीन है जो कि आई के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली अगर विटामिन ए जो है मिलेगा नहीं तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली हमारा आई जो है वो सही से काम नहीं करेगा, वो नाइट ब्लाइंडनेस काज करेगा। मेन जो डिफिशेंसी की वजह से बीमारी आती है नाइट ब्लाइंडनेस आती है, ठीक है, विटामिन ए की वजह से। अब अगर डिफिशेंसी में मैं आ जाऊँ, डिफिशेंसी में क्या है, ज़ीरोप्थैल्मिया हमारे साथ जो है वही है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब एक बंदे को जो है अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता विटामिन ए की डिफिशेंसी की वजह से, क्यों, ये हमारे साथ जो टियर डक्ट है, आंसू जो आते हैं ऑब्वियसली डक्ट होता है इसका बॉडी में, आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, ज़ीरोप्थैल्मिया में टियर डक्ट और जो आइस जो ये लेआउट करती है तो वो स्टॉप हो जाती है ज़ीरोप्थैल्मिया बीमारी में, ठीक है, डिजीज़ में, तो आई ड्राई होती है, टेयर नहीं आते, ऑब्वियसली अगर टेयर नहीं आएंगे तो क्या होगा, आई ड्राई होगा, तो ये इतना ये नाइट ब्लाइंडनेस कास कर देती है। लेकिन इसका सवेर केस जो है वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ केटोमलेशिया है, केराटोमलेशिया ना सवेर केस केराटोमलेशिया। अब अगर मैं केराटोमलेशिया की बात कर लूँ तो वो हमारे साथ क्या है, यही हमारे साथ क्या होता है, इसमें ड्राई आइस होती है और टेयर नहीं होता, और ड्राई आइस के साथ साथ ये आइस पे जो आयरस है, प्यूपल है, इसके दरमियान बिल्कुल डार्क लाइन आ जाती है और बिल्कुल वाइटिश हो जाती है, क्लाउड नहीं होती, क्लाउडिंग एरिया बन जाता है। अगर आप लोगों ने देखा हो एक आई सही होती है, एक आई जो है वाइट होती है, इसका जो प्यूपिल है वो वाइट, बिल्कुल वाइट गया होता है, ये केराटोमलेशिया है। तो इसमें क्या होता है, ये सवियर ज़ीरोप्थैल्मिया की वजह से ये काज हो जाता है केराटोमलेशिया। अब केराटिनाइजिंग मेटाप्लेशिया उसको कहते हैं एक एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो, एक एबनॉर्मल टिश्यूज़ की ग्रोथ हो। अगर कैंसर का मैं वो ले लूँ तो कैंसर में क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की, ठीक है, तो मेटाप्लेशिया उसी को कहते हैं कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो एक टिश्यूज़ की। केराटिनाइजिंग में ये होता है, हमें पता है केराटिन जो है एक प्रोटीन है जो कि हेयर में प्रेजेंट होते हैं, अकेले सिर्फ हेयर में नहीं होता, सर के बाल जो होते हैं, बॉडी के बाल होते हैं, नेल्स में और जगह पे भी हमारे साथ केराटीन प्रेजेंट होते हैं। केराटीन जो प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी को, हमारे हेयर को, हमारे नेल्स को खुराक देते हैं, उसके थ्रू खुराक मिलती है, केराटिनाइजिंग मेटाप्लेशिया हो जाती है, इसमें जो है एबनॉर्मल सेल जो है एबनॉर्मल सेल बनते हैं और ब्रेकडाउन होती है, बनते और ब्रेकडाउन होते हैं, तो ये एक बीमारी है केराटिनाइजिंग
रेजिंग मेटाबॉलिज्म में। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है अगर मैं नेल्स और हेयर की बात ले लूँ तो इसमें जो है हेयर लॉस होती है क्योंकि वो प्रॉपर वो अपना फंक्शन नहीं कर सकता, खुराक नहीं मिल रहा हेयर को, नेल्स जो है नेल्स टूटते हैं या नेल्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो किसकी वजह, केराटिनाइजिंग मेटाबॉलिज्म की वजह से। अब अगर मैं स्किन की बात ले लूँ, स्किन की डिफिशेंसी विटामिन ए की वजह से, तो स्किन में वही आएगा कि ऑब्वियसली बॉडी के हेयर में केराटीन प्रेजेंट होते हैं और विटामिन ए की वजह से केराटीन अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, तो स्किन क्या होगा, ऑब्वियसली हमारे साथ स्किन जो है वो ड्राई होगा, स्केली और थिक केराटिनाइज होंगे, बाल जो है वो सॉफ्ट नहीं होंगे, ठीक है, स्किन ड्राई होगा, इवन एलर्जिक रिएक्शन भी काज हो सकते हैं, इचिंग वगैरह हमारे साथ जो है बॉडी पे आ सकते हैं विटामिन ए की डिफिशेंसी की वजह से। अब अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात ले लूँ तो वही दोबारा वही बात होगी कि कंजक्टिवल एंड कॉर्नियल जो कि आई में प्रेजेंट होते हैं और उसमें जो है हमारे साथ सेल्स होते हैं, तो अगर एपिथेलियल जो है वो प्रेजेंट प्रॉपर अपना सॉरी विटामिन ए जो है वो प्रॉपर एक बंदा डाइट में नहीं ले रहा तो उसकी डिफिशेंसी की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो है इवन अगर एपिथेलियल टिश्यू अगर आप देख ले अकेले एपिथेलियल टिश्यू आई में नहीं है, अगर मैं नॉर्मली बात ले लूँ तो हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है और ओरल कैविटी जो है, हमारे पास नेजल पैसेज जो है, उधर हमारे पास केराटिनाइज एंड स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे पास जो है विटामिन ए उधर तक ना पहुँचे तो ऑब्वियसली जो है डिफरेंट इन्फेक्शन काज होंगे, हमारे पास जो है ये ओरल कैविटी है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, नेजल पैसेज है, ये क्या होगा, ये जो है प्रॉपर अपना सही से फंक्शन नहीं करेगा, ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ ख़राबी आएगी। तो ये पूरा हमारे पास विटामिन ए है। अब मैं दोबारा अगर टॉक्सिसिटी पे जाऊँ तो हमारे पास जो है विटामिन ए की टॉक्सिसिटी जो है एक्यूट है एंड क्रॉनिक है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट में ये होता है कि जस्ट हेडेक आ जाती है, नौजिया वोमिटिंग, ठीक है, तो उसमें ये केस होता है, लेकिन क्रॉनिक में ये होता है कि ड्राई स्किन हो जाती है, ठीक है, विटामिन ए ड्राई स्किन हो जाती है, लिप्स की क्रैकिंग हो जाती है, लिप्स ख़राब हो जाते हैं, बोन पेन होता है और नेल्स भी हेयर लॉस भी होता है, नेल्स भी सही से ऑब्वियसली टूटते हैं, कमी होती है विटामिन ए की। तो ये हमारे साथ जो है एक्यूट एंड क्रॉनिक है। मैं अगर डिटेल में डिटेल्स में मैंने समझा दिया, मैं अगर जस्ट थोड़े से अगर पॉइंट में बताना चाहूँ तो विटामिन ए क्या है, हमारे पास फैट सोलेबल है एंड हीट स्टेबल है, ठीक है, आप इस दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास जो है नाम रेटिनॉल, रेटिना और रेटिनाइक एसिड के नाम से आता है। इसकी कंपोजिशन ये है कि एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एन एक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन दोनों ही विटामिन ए में कन्वर्ट होता है और ये मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, ठीक है। अब स्टोर होता है लिवर में इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाइल ईस्टर। फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, आई में हेल्प देता है, रिप्रोडक्शन में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, एपिथेलियल टिश्यूज, बोन्स, ब्लड्स, टीथ, ठीक है। अब ये है, इसको मैं उल्टा करती हूँ, इसको जब मैं उल्टा करती हूँ ऑब्वियसली आई की डिफिशेंसी की वजह से ज़ीरोप्थेल्मिया और केराटोमलेशिया काज होती है, एपिथेलियल टिश्यूज़ की वजह से केराटिनाइजिंग मेटाप्लेशिया, एपिथेलियल टिश्यूज़, और भी मैंने नेजल पैसेज का कहा, ओरल कैविटी का कहा। अब स्किन है, स्किन में वही होगा, ड्राई होगा, इचिंग होगी, ठीक है। नेल्स की बात ले लूँ तो नेल्स ख़राब होंगे, हेयर लॉस होगा, केराटिनाइजिंग मेटाप्लेशिया में ये आते हैं, नेल्स की बात आती है, हेयर लॉस ही आती है और फिर स्किन भी आ जाता है। तो ये सारा जो है विटामिन ए के बारे में था। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में कह सकते हैं। थैंक यू सो मच।